आरएसएस में रहा हूँ ना, 50 साल तक तिरंगा आरएसएस में क्यों नहीं फहराया गया, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? मैं बता रहा हूँ ना, तिरंगा के तीन रंगों से इतना नफरत क्यों है? तिरंगा में हरा रंग से नफरत क्यों है? तिरंगों को क्यों नहीं स्वीकार किया? क्यों 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1948 में यही आरएसएस वाले हैं जो कि तिरंगा को अपने पैरों से रौंदा था, यही आरएसएस वाले हैं जब तीन युवक नागपुर में जाकर तिरंगा फहरा रहा था 2001 में, तो उसको क्यों अंदर करवा दिया, क्यों जेल में डाल दिया? इतना नफरत क्यों तिरंगा से? तीन युवा जब आरएसएस में गया था फहराने के लिए आरएसएस कार्यालय में, कर रहे हैं ना, ये दिखावा है, कर रहे हैं, अच्छा है, मैं समर्थन करता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यक्रम का समर्थन करता हूँ कि नरेंद्र मोदी आप जो तिरंगा फहराने की बात कही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, इसे दिल से स्वीकार कीजिए, अपने सभी संघी से, जितने आरएसएस में संघी हैं, अपने भाजपाई हैं, सभी को कहिए दिल से एक्सेप्ट करने के लिए इस तिरंगा को, तिरंगा में हमारी जान बसती है। मोदी जी भी तो आरएसएस से हैं ना, देखिए, इसलिए तो मैं बोल रहा था मोदी जी इतना दिन क्यों नहीं फहरा रहे थे, 1947 में देश आजाद हुआ उसके बाद तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया, आज ये लोग क्यों फहरा रहे हैं? इसीलिए इन्हें देशभक्ति सिर्फ राजनीति करनी है, देशभक्ति जगा करके, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके अंदर युवाओं के बीच जाकर के हम देशभक्त हैं, लेकिन इन्हें देशभक्ति से मतलब नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं, यदि दिखावा नहीं करते तो आरएसएस का सम्मान, तिरंगा का सम्मान करते हैं, दिखावा है, इसीलिए तो मैं तो आरएसएस में रहा हूं, तो मुझे पता है ना, ये हमेशा तिरंगा का अपमान करने का काम किया आरएसएस वाले भाजपा वालों ने। कुछ दिन पहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री डेथ कर गए, तिरंगा के ऊपर भाजपा को रखा गया, भाजपा झंडा को, क्यों भाई, तिरंगा से ऊपर कुछ हो सकता है क्या? कल्याण सिंह की बात कर रहा हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था, अपने नाम भी ले लिया, तिरंगा से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता है, तो भाजपा अपने झंडा के ऊपर तिरंगा क्यों नहीं रखा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तोड़ नहीं है मोदी जी की राजनीति का, ये आपको लगता है तोड़ नहीं, जनता देखिए मेरे पास, मैं कौन होता, मैं तो एक जनता हूँ, जनता के पास तोड़ है, जब भी जनता जागती है ना, अच्छे अच्छे धनानंदों को, अच्छे अच्छे सिंहासन सत्ताधारी को जनता लात मार के उतार देती है, श्रीलंका का एग्जाम्पल सबके सामने है, अभी भी जनता पसंद कर रही है, देखिए सर्वे आया है 61% जनता भी, अरे नहीं सर्वे किसके बीच करवाता है, आपको पता है 100 अंधभक्तों को खड़ा कर दिया जाता है, उसमें से वोटिंग डालवा के कहता है कि मेरा ये सपोर्ट नहीं है, अगर ऐसा होता तो यूट्यूब पे जब नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं तो लाइक से ज्यादा डिसलाइक कैसे जाता है, भूल गए क्या? वोट कहां से मिलता है? सपोर्ट अंधभक्त करते हैं ना, वोट कौन, वोट वो फर्जी वोट करते हैं, देख लेना 24 में इसकी लंका लगने वाली है मोदी जी की, वोट नहीं मिलेगा, कट्टर वोटर जो मोदी जी के हैं कुछ परसेंटेज वही हर जगह आपको दिखेंगे, वो वोकल है, वो कट्टर आपकी जमानत जब्त हो जाती है, किसकी, आप लोगों की, तो जमानत नहीं, जनता की जमानत, देखिए मैं जब आप मेरे को कहते हैं तो मैं ये मत समझिए कि मैं कांग्रेस हूँ, अलग पार्टी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक तो है ना, मैं जनता हूँ, मैं अगर जब जनता चुनाव लड़ने लगती है ना तो अच्छे अच्छे नेताओं की बोलती बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है, अभी जनता चुनाव नहीं लड़ रही, अभी तो सब नेता चुनाव लड़ रहे हैं, नेता पार्टी को टिकट देती है पार्टी से, अब अगर अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा करप्शन का, सब जगह ईडी चल रहा है, ईडी की सरकार है, सब देख रहा है, यूपी में यूपी का जो विधायक है प्रेजेंट टाइम में 3 दिन पहले का सर्वे 91% विधायक करोड़पति है, उस पर क्यों नहीं ईडी कुछ बोलती है, क्या ईडी को पता नहीं है कि करोड़पति है, क्यों नहीं कार्रवाई कर, तब दिक्कत ना करत, नहीं मैं कहता हूँ कि हर विधायक पे कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल कीजिए, पूरी कठोरता के साथ कीजिए, वो जनता का पैसा है, क्यों नहीं कर रही है सरकार, चल रही है, मैं कर रहा हूँ पूरे कीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, दिक्कत क्या है ईडी से, मैं कहता हूँ सब पे करें, सिर्फ विपक्ष पे क्यों, पैसा मिल नहीं रहा, देखिए मैं कर रहा हूँ सिर्फ विपक्ष वाले पे क्यों, अपने पक्ष वाले पे क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में 403 में से अधिकतर जो है वो 350 से ऊपर जो है विधायक है जो करप्शन जो करोड़पति है, आपने कहा कि पैसा मिल रहा है, बंगाल की बात आपने की है, ईडी का नाम बोखला क्यों जाते हो आप लोग, हम नहीं बोखलाते, हम तो करें सबके जांच करो, लेकिन किसी एक विपक्ष वाले के क्यों, सबको क्यों नहीं करते, सबकी जांच करो ना, ऐसा तो तुम्हारे पास ही है ना, देखिए कितना मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, देखिए मेरे पास क्या, मैं तो जनता हूँ, मेरे पास कहाँ, मेरे पास ईडी भेज दो, ये जो पश्चिम बंगाल में पकड़ाया है ना, मैं कह रहा हूँ पूरी जाँच होनी चाहिए, वो जो पार्थ चटर्जी का जो करीबी निकला है उस पर सख्त से सख्त, वो किसका पैसा, जनता का पैसा, आपका और मेरा पैसा, इस देश के 135 करोड़ आबादी का पैसा है, बिल्कुल गलत हुआ है, तो यही तो कर रहे हैं मोदी जी, ठीक है मैं कर रहा हूँ सबको कीजिए, लेकिन चुन करके गिने चुने अपने, अच्छा एक बात बताइए, चलिए वो तो ठीक कर रहे हैं, ये जो देश में जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग जो हैं, उनको किराए में छूट मिलता था रेलवे में, सब दिन से मिलता आ रहा था, उसको बंद कर दिया क्यों, ये कह करके, इससे देश पे कर्ज बढ़ता है, देश के पास पैसा नहीं है, यदि देश के पास पैसा नहीं है मोदी जी, तो आप ये बताओ अपने गिने चुने कुछ मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपया माफ क्यों कर दिए, क्यों माफ किए, बताइए ना, इसका जवाब दीजिए ना, क्यों माफ किए 11 लाख करोड़ रुपया अपने मित्रों को, ये कोई पहली बार हुआ क्या देश में, पहली बार ने सबसे ज्यादा माफ यही कर रहे हैं, सरकार माफ करती है, सबसे ज्यादा ये कर रही है, आप देखिए विजय माल्या लेके
भाग गया, नीरव मोदी लेके भाग गया, मेहुल चौकसी लेके भाग गया, ललित मोदी लेके भाग गया। अगर गलती से अडानी भाग गया ना, देश लंका बन जाएगा और भागेगा। आज 8 साल में मोदी जी के शासनकाल में 8 लाख से अधिक भारतीय नागरिक नागरिकता छोड़ करके भाग गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको क्यों लगता है अडानी भागेगा? बिल्कुल भागेगा, भाग गया ना, 5-6 भाग गया ना, किसी को पकड़ के लाया भाजपा वालों ने? नहीं लाया ना। नीरव मोदी को मैंने एग्जांपल दिया, ललित मोदी का, विजय बाल्या का, सब भाग गया ना, करोड़ करोड़ रुपया लेकर के, किसी को पकड़ के ला पाया? बताइए, सुष्मिता सेन ढूंढ लेती है, सुष्मिता सिंह जाकर के ढूंढ लेती है, लेकिन मोदी जी इतने बड़े सरकार को लेकर के अपने पूरे तमोजाम लेकर के नहीं ढूंढ पाते हैं मोदी जी, क्यों भाई? नीरज भाई, सरकार ने 24 करोड़ घरों पर तिरंगा लगाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है और एक तिरंगे की कीमत करीब 25 रुपये रखी गई है। देखिए, ये जो रखी गई है इसमें भी घपला होगा, सामने आने लगी है। गुजरात का व्यापारी तो तिरंगा छापेगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, गुजरात के क्यों, आप क्यों नहीं छाप सकते हैं? आप क्यों नहीं छाप सकते? मेरा सवाल ये है ना, आप गुजरात के व्यापारी को तिरंगा छापने का ऑर्डर क्यों दिए हैं? कंपनी उनके पास है। मैं बता रहा हूँ, क्या यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, बंगाल में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है? कुछ नहीं, सबके पास है। ये कहने का है, इसीलिए जब वहाँ पे छपाई होगा, वहाँ मोटा माल आएगा और वो भाजपा में जाएगा। DFL जो है, कुछ दिन पहले 34,000 करोड़ रुपया घोटाला किया, उसमें से 27 करोड़ रुपया भाजपा वाले अपने अकाउंट में लेकर के सारा कर्ज माफ कर दिया, पार्टी फंड को चंदा दिया। तो देश का पैसा घोटाला करेगा और पार्टी फंड में चंदा देगा, ये कहाँ का लॉजिक है भाई? ये कहाँ का लॉजिक? और जो भाजपा जो तिरंगा वाले के बात आप बोल रहे हो, भाजपा वाले ने किया, नरेंद्र मोदी ने, ये फर्जी राष्ट्रवाद है। यदि सच्ची राष्ट्रवाद होता तो बार बार तिरंगा का अपमान ही नहीं करता। क्या ठेका ले रखा बीजेपी ने तिरंगे का? नहीं तो फर्जी राष्ट्रवाद का नारा क्यों लगाते हैं? मेरे अंदर तिरंगा बसता है ना, मैं भी तिरंगा से प्यार करता हूँ, देश के एक एक नागरिक तिरंगा से प्यार करता है। तो फिर दिक्कत क्यों होती है आप लोगों को? हमें दिक्कत नहीं होती है, संघी को दिक्कत होती है, भाजपाइयों को दिक्कत होती है, तभी तो तिरंगा का अपमान करते हैं। दिक्कत हो रही है तिरंगे? अरे मैं तो सम्मान देखे, मेरे पास भी है, मैं घर में लगाता हूँ, छत पे लगाता हूँ, हर दिन, लेकिन दिखाते नहीं है भाजपा। मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं मोदी जी के तिरंगा यात्रा का सम्मान करता हूँ, लेकिन मोदी जी को मैं ये भी कहता हूँ, मोदी जी आप शपथ लो, आप किसी भी भारतीय से कोई भेदभाव नहीं करोगे, किसी SC ST OBC मुस्लिम से आप विरोध नहीं करोगे, आप उनका अपमान नहीं करोगे। क्यों भेदभाव करते हैं बताओ? अरे कैसे नहीं करते, दलितों वोट बैंक के लिए करते हैं, वो वोट बैंक के लिए करते हैं, दलित को राष्ट्रपति बना देंगे, आदिवासी को राष्ट्रपति बना देंगे, क्यों पता है? जल जंगल जमीन छीनने के लिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति, दलित को राष्ट्रपति बनाया ना, उस समय दलित राष्ट्रपति कहां गए थे जब हाथरस की बेटी को रेप करके जला दिया गया आधी रात में, मुंह में दही जम गया था राष्ट्रपति को, क्यों नहीं कुछ बोले? ये सिर्फ दिखाने का है, दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, करना कुछ नहीं है, वोट बैंक की राजनीति करनी है भाजपा को। कांग्रेस तो वो भी नहीं करती ना, कांग्रेस नहीं करती, इसलिए तो कांग्रेस सत्ता से बाहर है। कांग्रेस अगर कर रही होती तो सत्ता में होती ना, क्यों बाहर में बैठ डफली बजा रही है? बताइए ना, ये भाजपा की नफरत की राजनीति और कुछ नहीं है। राष्ट्रवाद इनके कहीं दूर दूर तक इसके आसपास राष्ट्रवाद नहीं है, सिर्फ दिखाने का है कि तिरंगा यात्रा निकालेंगे, फलाना निकालेंगे, ढकाना निकालेंगे, बस अपनी राजनीति करनी है। जो जो वित्त मंत्री है वो कह रहे हैं कि देश में कहीं नहीं है महंगाई, सर भी नहीं है उसका, वो तो प्याज खाती नहीं है, सांसद में कच्ची सब्जी खा रहे हैं, सुन लीजिए, प्याज खाती नहीं है, लहसुन खाती नहीं है, दही पनीर वो खाती नहीं है, वो खाती है क्या? मशरूम, अफगानिस्तान से काजू मंगा के उसकी रोटी खाती है, तो उसको महंगाई कहां से पता चलेगा? जब देश की 135 करोड़ 138 करोड़ जनता लहसुन प्याज खाती है, आटा खाती है, दाल चावल खाती है, उसको महंगाई पता चलेगा ना? अरे उसको क्या पता चलेगा? मल्टीपल पेंशन लेने वाले को पता चलेगा महंगाई है? महंगाई पूछे यहाँ की जनता से, जो 100 रुपया पर डे कमाते हैं, 50 रुपया पर डे कमाते हैं और जिनके पास रोजगार भी नहीं है, उनसे जाकर पूछे महंगाई है कि नहीं है? जो 5-5 जो करोड़ों रुपया घोटाला करते हैं, 3-3 लाख रुपया महीना पेंशन लेते हैं, 2 लाख रुपया सैलरी लेते हैं, उनसे महंगाई पूछिएगा? गजब बात करते हैं भाई, बताइए ऐसे कैसे? ये जो कच्ची सब्जी खा रहे हैं, इनको भत्ता पेंशन नहीं मिलता? इनको भी मिलता है, मल्टीपल पेंशन मिलता है, नौटंकी कर रहे हैं बिल्कुल। अगर जो आवाज भी जो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि 543 में 543 करप्ट ही है, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता है। बात ये ना, अगर वो बोलने लगते तो आपका समय पुर गया बाहर कर देते हैं। कल वित्त मंत्री बोल रहे हैं, आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया, क्यों किया? सवाल यह है, क्यों किया? एक महीना का 17-15 दिन बीतने चला है, क्यों नहीं चर्चा हुआ महंगाई पे? GST पे क्यों नहीं महंगाई पे चर्चा? GST पे क्यों नहीं चर्चा? चर्चा कर तो रही थी वो महंगाई पर, चर्चा नहीं कर रही थी, वो बता रही थी कि ये हम किए हैं, कफन पे GST लगाए हैं, माता 18% नहीं 5% ही लगाए हैं, ये बोल रही थी कि विपक्ष वाले का कहना था कि आपने 18% GST लगा दिया, वो करिए नहीं 18% नहीं 5% ही लगाए, आप मरोगे तो 5% ही GST देना पड़ेगा। बीजेपी अमृतकाल जो मना रही है, अमृत महोत्सव मना रही है पूरे देश में, क्या
सच्चाई है इसमें। देखिए अमृत काल का मतलब क्या होता है, जब जनता खुश हो, जनता को दो वक्त की रोटी मिले। आज 80 करोड़ से अधिक आबादी दो वक्त की रोटी के लिए सरकार के ऊपर निर्भर है। ये गरीबी रेखा से नीचे का क्या आकलन होता है, जो व्यक्ति अपना पेट खुद नहीं भर सकता वो सरकार पे आश्रित है, वो गरीबी रेखा से नीचे आता है। जब वो गरीबी रेखा से नीचे आ गया, उसके पास खाने के लिए नहीं है, बेरोजगारी रोड पे जो है, बेरोजगार जो रोड पे दर दर का ठोकर खा रहा था, कैसा अमृत मौसम भाई। लाश को कुत्ता नोच रहा था, चील नोच रहा था, ये अमृत काल है। कोरोना काल में 10 लाख से ऊपर आदमी मर गया, वो अमृत काल है। लाखों बच्चे अनाथ हो गया, वो अमृत काल है। इसे अमृत काल कहेंगे। जो अभी बहुत सारे मेरे पास देश के अलग अलग राज्यों से फोन आता है, कल एक आंगनबाड़ी महिला की फोन आई थी, वो रो रही थी, आंगनबाड़ी में खाना बनाती है, रो रही थी कि मुझे मात्र 1600 रुपया महीना मिलता है और 12 महीना ड्यूटी करते हैं, 10 महीना कहीं पे सैलरी मिलता है। रोते कितने भी, लेकिन मैं बोला ये जिसको महीना का 1600 रुपया 1500 रुपया मिल रहा वो अमृत काल है। लाखों लोग आज भी, मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है, लाखों लोग आज भी भूखे सोने पर मजबूर है, ये अमृत काल है भाई। यशस्वी प्रधानमंत्री मैंने आज तक तो नहीं देखा। देखिए मैं कह रहा हूँ, ये प्रचार कर रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया है, क्यों देना पड़ गया। आपने विकास नहीं किया था इसीलिए ना, ताकि जनता को जब आप अनाज देंगे तो जनता आपके ऊपर आश्रित रहेगी, आप उनसे वोट ले पाएंगे। अब मैं कर रहा हूँ कि आप जनता को अनाज मत दीजिए, जनता को काबिल बना दीजिए ना, वो अपना रोजगार खुद कर ले, अपना काम कर ले। आपके ऊपर क्यों निर्भर बना रहे हैं ना आपको, अरे कैसा आत्मनिर्भर पता है, पकौड़ा तला आत्मनिर्भर है। जो PhD कर लिया है, इंजीनियरिंग किया 12 लाख में जाकर के, जो MBA किया 10 लाख रुपया खर्च करके, उसको पूरे पकौड़ा तरने के लिए वो आत्मनिर्भर है। ऐसे आत्मनिर्भर अपने बेटे को बनाओ ना, क्यों BCCI का सचिव बना दिए हो अपने बेटे को, बनाओ ना अपने बेटे को राजनाथ सिंह अग्निपथ के तहत भेजो ना, क्यों अपने बेटे को सांसद बना दिए हो, विधायक बना दिए हो। आत्मनिर्भर अगर इतना ही अच्छा है, अमित शाह, राजनाथ और जितने भी भाजपा के नेता हैं, अपने बेटे को बोलो कि भाई चाय लेकर के चाय 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 करे, पकौड़ा तले, क्यों नहीं कर रहा है वो तो आत्मनिर्भर ही है। कौन अमित शाह के बेटे, तो BCCI एक सचिव क्यों बना रखा है, उससे ज्यादा काबिल आपको देश में युवा नहीं लग रहा है। 135 करोड़ आबादी है देश में, और अमित शाह के बेटा से ज्यादा काबिल हमारे देश का युवा है। आज भी गली गली मुझसे ज्यादा काबिल है, क्यों अमित शाह का बेटा सचिव बन गया और क्यों नहीं बन पाता, सब ये वंशवाद है। ये अगर आत्मनिर्भर है तो सबसे पहले अपने बेटे को लात मार के रोड पे भेजो और बोलो कि तुम अगर काबिल है तो अपना बिजनेस चालू करो, तब समझेंगे। वंशवाद कहां नहीं है, अरे सब जगह है, तो अपने में क्यों है बताइए। तो आत्मनिर्भर कैसा आत्मनिर्भर भाई, रोड देश की जनता, देश की युवा रोड पे ठोकर कर अपने बेटे को बेटी को बाहर चलवा रही हो। स्मृति ईरानी का घटना का फैसला है कि आज बाहर उनका नहीं है, देखिए तो वहाँ क्या, तो वहाँ तो फिर वहाँ क्या कर रही थी, वो क्या कर रही थी, खाना खाने गई होगी ना। अच्छा, खाना खाने के लिए रोज वो एक ही बार में जाती है भाई। किसने बोला, कोर्ट ने बोला, लश्कर तुम्हारा, सरदार तुम्हारा, सच को झूठ लिख दो अखबार तुम्हारा, सब कुछ उसी का है। किस पे बात करोगे आप, कोर्ट पे विश्वास नहीं आपको? मैं ये नहीं कर रहा कोर्ट पे विश्वास नहीं, आप निष्पक्ष फैसला तो लेने दो ना। क्यों सुप्रीम कोर्ट का, क्यों हाई कोर्ट का जज जाके महाराष्ट्र में बोला, गुजरात में बोला कि मुझे डिसीजन लेने के लिए बाध्य किया जाता है, क्यों बोला? कल रघुराम राजन जी क्यों आकर के स्टेटमेंट दिए, क्यों सुप्रीम कोर्ट के जाके मुख्य चीफ जस्टिस जो है क्यों जाकर के बयान देते बाहर में, क्यों आज मजबूर है देने पर? इसीलिए उनको बाध्य किया जाता है कि जो मैं बोलूँ वही होगा, नहीं तो जस्टिस लोया वाला कहानी। डरा रहे हैं सबको, अरे तरीपार है सत्ता में। जस्टिस लोया को पढ़े हैं ना या नहीं पढ़े हैं, भूल गए हैं क्या हुआ था उसके साथ? फैसला उसके विपक्ष ने फैसला दिया, उसको मार करके फेंक दिया गया। तो सबको जान के प्यारा है, ऐसा नहीं है, इसीलिए बस और कुछ नहीं है। कि BJP जो कर रही है, BJP में ज्यादातर नेता RSS के हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन जब RSS की आप सच्चाई देखेंगे, RSS की सच्चाई देखेंगे, RSS भारत आजाद होने के 50 साल 52 साल तक अपने कार्यालय में, अपने शाखाओं में झंडा क्यों नहीं फहराया? आज वही RSS वाले सब भाजपा में है ना, तो RSS अपने कार्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया? सबसे बड़ा सवाल ये है, ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, लेकिन देशभक्ति जगा रहे हैं वो। मैं बता रहा हूँ ना, ये तिरंगा इसलिए फहरा रहे हैं कि देश प्रेम करवा रहे हैं, देश प्रेम कैसे करवा रहे हैं? तो तिरंगा 50